तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9। ओके फ्रेंड्स, 10th क्लास एनसीईआरटी का अध्याय 9, अनुवांशिकता एवं जैव विकास पार्ट फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले अनुवांशिकता क्या होती है। अनुवांशिकता, तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं पहले, अनुवांशिकता क्या होती है। ओके फ्रेंड्स, अनुवांशिकता, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जनक जीवों से संतति में लक्षणों के संचरण को अनुवांशिकता कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो जनक जीवों से जो संतति में जो लक्षण संचरित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी जनक जीवों से संतति में लक्षणों के जो संचरण होता है को अनुवांशिकता कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं अब अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, यानी जनक जीवों से संतति में संचरित होने वाले लक्षणों को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी जो लक्षण जनक जीवों से संतति में जाते हैं उन लक्षणों को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक ये भी एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम आते हैं अब अनुवांशिकी क्या है। अनुवांशिकी क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता के नियमों, ओके फ्रेंड्स, अनुवांशिकता के नियमों व अनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है उसे अनुवांशिकी या इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता के नियमों वह अनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है उसे अनुवांशिकता कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं अनुवांशिकता, अनुवांशिकी की जनक, जो अनुवांशिकी है उसका जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अनुवांशिकी का जो जनक है वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके फ्रेंड्स, और अभी इनका देख लेते हैं, कुछ इनके बारे में दे रखा है। जैसे इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को, स्थान था ऑस्ट्रिया, और कार्य इन्होंने क्या किया, उद्यान मटर के पौधों पर कार्य किया। ओके फ्रेंड्स, यानी जो उद्यान मटर होती है उसका बॉटनिकल जो नेम होता है वो क्या होता है, पाइसम सैटाइवम। ओके फ्रेंड्स, बॉटनिकल नेम इसका पाइसम सैटाइवम होता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं अब विप्रियाशील लक्षण क्या होते हैं। विप्रियाशील लक्षण यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके फ्रेंड्स, ऐसे लक्षण जिनमें भौतिक रूप से आसानी से भेद किया जा सके उन्हें विप्रियाशील लक्षण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी जैसे हम देखते हैं मटर का लंबा व बौना पौधा, आप इसमें आसानी से भेद कर सकते हो, लंबा और बौना पौधा होता है उसे भौतिक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से पहचान सकते हैं आप कौन सा लंबा है कौन सा बौना है। ऐसे ऐसे जो लक्षण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विप्रियाशील लक्षण कहते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं जो मेंडल था, जो कि अनुवांशिकी के जनक हैं, उन्होंने क्या किया, मेंडल ने मटर में 7 जोड़ी विप्रियाशील लक्षण चुने। ओके फ्रेंड्स, तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने मटर में 7 जोड़ी विप्रियाशील लक्षण चुने। तो इनमें विप्रियाशील लक्षण कौन से हो जाएंगे, ये इसमें लक्षण दे रखे हैं, तो विप्रियाशील लक्षणों में एक प्रभावी लक्षण, एक अप्रभावी लक्षण है। ओके फ्रेंड्स, जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो अपना प्रभाव रखते हैं। जैसे हमारे कोई परिवार में कोई मेंबर होता है, जैसे हमारे दादाजी हो गए या कोई और कोई बड़ा होता है, वो क्या होता है, अपना प्रभाव रखता है। उसी प्रकार जो ये प्रभावी लक्षण होते हैं वो अपना प्रभाव रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी ये अपना प्रभाव जो होते हैं बहुत ज़्यादा रखते हैं, और ये जो अप्रभावी लक्षण है उसको प्रकट नहीं होने देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम ये देखते हैं अब कौन कौन से इसने 7 जोड़ी विप्रियाशील लक्षण चुने। तो दोस्तों, आपको इसी जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे मैंने फ से 2 लिखे हैं फली का रंग फली की आकृति, ब से 2 है बीज का रंग बीज की आकृति, प से 2 है पुष्प का रंग पुष्प की स्थिति। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट में क्या है, पादप की लंबाई। तो आप ऐसे याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं फली का रंग हरा जो होता है प्रभावी होता है, और पीला क्या होता है, अप्रभावी होता है। ओके फ्रेंड्स, और फली की आकृति यानी फली जो होती है फूली हुई वो क्या होती है, प्रभावी होती है, और जो सिकुड़ी हुई वो क्या होती है, अप्रभावी होती है। अब आते हैं बीज का रंग, बीज का रंग क्या होता है, पीला जो क्या प्रभावी होता है, और जो हरा जो होता है वो अप्रभावी होता है। बीज की आकृति गोल जो कि प्रभावी होती है, झुर्रीदार जो कि अप्रभावी होती है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं पुष्प का रंग, पुष्प का रंग धूसर धूसर कह दो या बैंगनी कह दो, कहीं कहीं पे किसी बुक में क्या धूसर भी लिखा होता है बैंगनी भी लिखा था। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसे बैंगनी भी कह सकते हैं और धूसर भी कह सकते हैं।
तो बैंगनी जो जो होता है वो कहता है प्रभावी होता है, और जो श्वेत होता है वो अप्रभावी होता है। पुष्प की स्थिति यानी अक्षीय जो प्रभावी होती है, और अग्रस्त क्या होती है अप्रभावी होती है। अक्षीय यानी जो पुष्प आपने देखा होगा जो अक्ष पर कहीं भी लग सकते हैं, अक्ष पर कहीं भी लग सकते हैं उसे कहते हैं अक्षीय। अग्रस्त में आपने क्या देखा होगा, आपने कुछ पौधे देखे होंगे जिनमें क्या होता है पुष्प केवल टिप यानी केवल ऊपरी भाग पर ही लगे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अग्रस्त। ओके फ्रेंड्स, अब बताए पादप की लंबाई, लंबा और बौना। ओके फ्रेंड्स, लंबा प्रभावी हो जाएगा, बौना अप्रभावी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आपने देखा होगा तो ये जो हम ये प्रभावी अप्रभावी लक्षण है इनको हम क्या कहते हैं सिंबल के द्वारा शो करते हैं, यानी जो ABCD के जो अक्षर होते हैं उनके द्वारा इसे शो किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे लंबा होता है उसे कैपिटल डी टी से यानी डबल कैपिटल टी से यूज शो करते हैं, और जो बौना होता है उसे स्मॉल टी से शो करते हैं। ओके मीन्स डबल स्मॉल टी से शो करते हैं बौने पौधे को। अब आते हैं हम संकरण। संकरण क्या है, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों को क्रॉस कराया जाता है तो उससे प्राप्त संतति पौधों को संकर कहते हैं तथा इस क्रिया को संकरण कहते हैं। यानी जब दो विपरीत लक्षण कोई भी दो विपरीत लक्षण हो जाएंगे, जैसे लंबा बौना ऊपर दे रखा था बैंगनी सफेद, यानी इन दोनों लक्षणों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है, क्रॉस यानी जनन यानी निषेचन कराया जाता है, तो इसे उससे प्राप्त जो संतति होती है उसे संकर कहते हैं तथा इस क्रिया को संकरण कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों को क्रॉस कराया जाता है तो उससे प्राप्त संतति को पौधों को संकर कहते हैं यानी हाइब्रिड कहते हैं तथा इस क्रिया को संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं कारक। कारक क्या है, कारक मेंडल के अनुसार सजीवों का प्रत्येक लक्षण कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है। ये कारक जीवों का प्रत्येक कोशिका में जोड़ों या युग्म में उपस्थित होते हैं, जो कारक होते हैं वो हमेशा जोड़ों या युग्म में उपस्थित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो कारक होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, आपने DNA जो आपने गुणसूत्र नाम सुना होगा, गुणसूत्र क्या होते हैं DNA से बने होते हैं, उस DNA पे क्या होते हैं ये जो DNA के छोटे छोटे खंड होते हैं उन्हें क्या होता है कारक या जीन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मेंडेलिय कारक आधुनिक अनुवांशिकी के अनुसार जीन कहलाते हैं, यानी आधुनिक अनुवांशिकी में इसे अब जीन कहते हैं। यानी पहले मेंडल ने जो कारक जो खोजे थे खंड DNA के, विशेष DNA खंड, उन्हें कारक नाम दिया था, जबकि आज के युग के अंदर उन कारकों को आज जीन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो DNA के बने होते हैं तथा लक्षण की अभिव्यक्ति व वंशगति के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है कारक है, तो कारक हमेशा क्या होंगे जोड़ों में उपस्थित होते हैं। ये जो कैपिटल टी है वो क्या होता है शुद्ध लंबा पौधा होता है उसके लिए यूज किया जाता है, और ये जो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या होता है अशुद्ध लंबा पौधे के लिए यूज किया जाता है, और जो ये जो होता है स्मॉल टी वो जो बौना पौधा होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं अब युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ क्या होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश में कहते हैं एलिलोमॉर्फ, एक गुण को प्रकट करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। एकदम सिंपल है, यानी एक गुण के प्रकट करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को, यानी कि जीन के दो विपर्यासी स्वरूप, विपर्यासी यानी विपरीत होने चाहिए, यानी एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसे हम क्या कहते हैं विपर्यासी। यानी एक गुण को प्रकट करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। उदाहरण कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये क्या है विपर्यासी, एक दूसरे के विपरीत है, एक बड़ा एक छोटा। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं समयुग्मजी यानी होमोजाइगस क्या है। तो समयुग्मजी या होमोजाइगस किसे कहते हैं, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले यदि किसी लक्षण के दोनों जीन समरूप हों तो उसे हम कहते हैं समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। उदाहरण कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये समयुग्मजी है यानी एक जैसे दिख रहे हैं आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये दो उदाहरण हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी यानी हेट्रोजाइगस, इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोजाइगस, यदि किसी लक्षण के दोनों जीन्स असमान हो अर्थात विपर्यासी हो तो उसे विषमयुग्मजी कहते हैं। उदाहरण कैपिटल टी स्मॉल टी यानी विपर्यासी आपको दिख ही रहे, यानी समान नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो सिंबल होता है वो अशुद्ध लंबे पौधे के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, किसी लक्षण का बाहरी स्वरूप जो हमें दिखाई देता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। उदाहरण लंबा और बोना, यानी फिनोटाइप यानी किसी लक्षण का बाहरी स्वरूप जो हमें दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं फिनोटाइप कहते हैं। जैसे हमें दिखाई दे रहा है लंबा और बोना, हमें प्रत्यक्ष रूप से भौतिक रूप से हमें दिखाई दे रहा है कौन सा लंबा है कौन सा बोना है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं अब जीनोटाइप। किसी व्यक्ति के लक्षण का अनुवांशिक संगठन जीनोटाइप कहलाता है, यानी किसी व्यक्ति वेष्टि
किसी व्यष्टि यानी जीव के लक्षण का अनुवांशिक संगठन जीनोटाइप कहलाता है। उदाहरण कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो होता है शुद्ध लंबे पौधे के लिए होता है, और जो ये सेकेंड नंबर दे रखा है वो अशुद्ध लंबे पौधे के लिए जो होता है, और ये जो थर्ड नंबर दे रखा है वो बौने पौधे के लिए यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, अनुवांशिक हो जाएगा। ठीक है, यानी ये अनुवांशिक संगठन है जो कि हम इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, इसे हम कहते हैं गणना करके इसे यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक संगठन। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं अब एकल संकरण, मेंडल का एकल संकरण प्रयोग। जब पौधों में एकल संकरण मतलब क्या कहते हैं, जब पौधों में एक जोड़ी विप्रेयशी लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके मध्य क्रॉस कराया करवाया जाता है तो उसे एकल संकरण प्रयोग कहते हैं। उदाहरण शुद्ध लंबा व पौने पौधे के मध्य संकरण। ओके फ्रेंड्स, यानी विप्रेयशी यानी जो अपने 7 जोड़ी विप्रेयशी लक्षण पढ़े थे उन्हीं में से चुनने, यानी शुद्ध लंबा चुन लिया और बौना पौधा चुन लिया। ओके फ्रेंड्स, तो बौना पौधा हो जाएगा, यानी हम एक जोड़ी विप्रेयशी लक्षण कोई भी ले सकते हैं, बैंगनी सफेद ले सकते हैं, गोल झुर्रीदार ले सकते हैं, पीला हरा ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, शुद्ध लंबा और बौना पौधा लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक जोड़ी विप्रेयशी लक्षण इनके मध्य क्रॉस कराएंगे, इसे ही हम कहते हैं एकल संकरण प्रयोग कहते हैं। अब देखते हैं ये एकल संकरण प्रयोग, तो आपको ये दिख रहा होगा शुद्ध लंबा शुद्ध लंबे पौधे को मैंने ऊपर बताया था आपको कैपिटल टी से शो करते हैं, और जो अशुद्ध लंबा जो बौना होता है उसे स्मॉल टी से यूज करते हैं जो। ओके फ्रेंड्स, तो इसे कहते हैं बौना या कह दो शुद्ध बौना कह दो, दोनों में आप कोई भी कह दो, तो स्मॉल टी कह दो, तो इसे हम क्या कहते हैं बौना या शुद्ध बौने को हम क्या कहते हैं स्मॉल टी से व्यक्त करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसमें जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो कारक होते हैं या जीन होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं और ये कहाँ होते हैं गुणसूत्र पर होते हैं। अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन विभाजन होगा तो ये जोड़े भी क्या हो जाएंगे विभाजित हो जाएंगे, और इनमें क्या हो जाएगा युग्मकों का निर्माण होगा। जब युग्मकों का निर्माण होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये कारक भी क्या होंगे विभाजित हो जाएंगे, और प्रत्येक कारक क्या होता है प्रत्येक युग्म के अंदर पहुंच जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो जाएंगे ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन होने से इसमें क्या होगा कैपिटल टी बन गया और ये 2 युग्मक बन गए इससे, और ये स्मॉल टी से इससे भी क्या हो जाएंगे बीच का विभाजन होगा तो इसमें क्या हो जाएंगे 2 युग्मक बन जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब क्या होता है इन युग्मकों के मध्य संकरण या निषेचन होता है। तो मान लीजिए ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी जो कि आपको कैपिटल टी जो कि आपको दिख रही है जो ब्लैक कलर में लाइन दिख रही है वो स्मॉल टी से क्या हो गया इसे संलयित या इसको निश्चेषित कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसको निश्चेषित करता है यानी कैपिटल टी यानी आप ब्लैक वाली लाइन दिख रही है तो ये आपको आ गया, तो इसमें जब इसकी निश्चेषित करेगा तो इसमें क्या बन जाएगा संगठन बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी इसकी गुणा करनी है आपको, गुणा करनी है यानी जब कैपिटल टी की इस स्मॉल टी से गुणा करेंगे तो इसमें क्या जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं ये जो आप कह रही है ये आपके ग्रीन कलर की जो लाइन है इसमें भी क्या हो जाएगा इसकी इससे गुणा करोगे तो भी इसमें क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और जब ये अब आपके देखते हैं ये जो ब्लू कलर की लाइन आ रही है उसमें भी क्या बन जाएगा आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, और जो रेड कलर की लाइन आ रही है उसमें भी क्या हो जाएगा जो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम क्या करते हैं जो कैपिटल लेटर होता है उसको पहले लिखते हैं, स्मॉल लेटर होता है उसको बाद में लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी F1PD प्राप्त होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा अशुद्ध लंबा के लिए जो ये होता है कैपिटल टी स्मॉल टी वो क्या होता है अशुद्ध लंबे के लिए यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये अशुद्ध लंबा अशुद्ध लंबा अशुद्ध लंबा अशुद्ध लंबा, तो ये F1PD प्राप्त होगी। तो F1PD में जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं सभी अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। तो F1PD का जो परिणाम क्या प्राप्त हुआ आपको F1PD में सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है F2 यानी द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करनी है। तो द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे जो पहली पीढ़ी हुई पहली पीढ़ी के जो पौधों के मध्य हम संकरण संकरण या निषेचन कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखते हैं नेक्स्ट जो F2PD हमें प्राप्त करनी है, तो ये अशुद्ध लंबा हो गया यानी जो F1PD से हमने इसे ले लिया, और ये अशुद्ध लंबा F1PD से हमने ले लिया, इसका सिंबल क्या होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें ये युग्मक बन जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके फ्रेंड्स, तो ये युग्मक बन गए। अब युग्मकों के मध्य क्या होता है स्वपरागण होने दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, स्वपरागण किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन मैं पहले भी जो पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उसमें बता चुका हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्वपरागण उसे कहते हैं जब एक पुष्प के जो परागण होते हैं उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम कहते हैं स्वपरागण होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसके आगे कैपिटल टी
स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल टी, ये युग्मक बन गए। युग्मक में अब जब स्वपरागण होगा यानी निषेचन होगा तो इसमें क्या बन जाएगा, अब मान लीजिए ये कैपिटल टी है, आप अगर ब्लैक वाली लाइन देख रहे हैं तो इसमें कैपिटल टी को अगर इसमें कैपिटल टी से जो इसमें जब निषेचन होगा तो इसमें जो अनुवांशिक संघटन क्या बनेगा, कैपिटल टी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यानी ये अनुवांशिक संघटन यानी ये क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ब्लैक वाली लाइन दिख रही है जो कैपिटल टी और कैपिटल टी से गुणा हो, इसको हम गुणा भी कह सकते हैं, तो गुणा कर दी तो हमें दो कैपिटल टी प्राप्त हो गए। नेक्स्ट हम करते हैं रेड वाली लाइन देखते हैं, रेड वाली लाइन में क्या होता है, स्मॉल टी है और कैपिटल टी से गुणा हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो जाएगा, अशुद्ध लंबा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट आते हैं ग्रीन जो आपको लाइन दिख रही है उसमें भी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और जो आपको ब्लू कलर में जो लाइन दिख रही है उसमें क्या आपको हो जाएगा, दो स्मॉल टी प्राप्त होंगे। अगर आप इनकी गुणा करते हैं तो इनका जब जनन होता है तो इनका अनुवांशिक संघटन क्या होगा, कैपिटल टी प्राप्त हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जो ये संतितियां प्राप्त होती हैं तो इसमें जो एफ टू पी डी में क्या होता है, एक शुद्ध लंबा, दो अशुद्ध लंबे और एक बौना प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये एफ टू पी डी हो गई। तो एफ टू पी डी में हम देखते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप आपको इसकी डेफिनेशन मैं ऊपर बता चुका हूँ, तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। तो प्रत्यक्ष रूप से हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक तो शुद्ध लंबा दिखाई दे रहा है, तो प्रत्यक्ष रूप से हमें कितने दे रहे हैं, तो इसमें लंबे कितने हैं, तीन है, तो ये अशुद्ध है। तो अशुद्ध तो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो अनुवांशिक संघटन है, जो अनुवांशिक संघटन हमें दिखाई नहीं था, हमें प्रत्यक्ष रूप से क्या दिखाई दे रहा है, ये तीन क्या है, लंबे हैं। ओके फ्रेंड्स, और एक बौना है, ये दिखाई हमें दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, जो अनुवांशिक संघटन होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, उसे हम गणना करके निकालते हैं। तो हमें जो प्रत्यक्ष रूप से क्या दिखाई दे रहा है, तीन पौधे लंबे हैं एक बौना है, तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, ये शुद्ध लंबा और, तो ये क्या हो जाएगा, लंबा और बौना, तो ये क्या हो जाएगा, 3:1। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप यहाँ पे शुद्ध मत लगाइए, लंबा अनुपात बौना लगा दीजिए, तो 3:1 हो जाएगा। अब आते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप कितने प्रकार के बन रहे हैं आपको, एक तो कैपिटल डी बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, एक कैपिटल डी स्मॉल टी बन रहा है और एक स्मॉल टी बन रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल डी कितने हैं, एक है, एक लिख दिया। स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, दो है। ओके फ्रेंड्स, तो दो दिख रहे हैं, कैपिटल डी स्मॉल टी दो है, तो यहाँ पे दो लिख दिया। और स्मॉल टी कितने हैं, एक। तो इसका जो जीनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा, तो इस अनुवांशिक संघटन का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं जीनोटाइप अनुपात कहते हैं। तो जीनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2:1। ओके फ्रेंड्स, अथवा में हम देख सकते हैं, अब ये तो हमने जो एकल संकरण प्रयोग किया था वो हमने रेखा चित्र के द्वारा किया था, अब हम करते हैं इसे पुनेट चेकरबोर्ड द्वारा। तो आप दोनों के द्वारा बना सकते हैं, आपको ऊपर वाला अच्छा लगता है तो ऊपर वाला बना लीजिए, और आपको चेकरबोर्ड के द्वारा अच्छा लगता है, पुनेट चेकरबोर्ड के द्वारा अच्छा लगता है तो आप इसे बना लीजिए, दोनों सही है, जो आपको अच्छा लगे वो बना लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसे भी मैं समझा देता हूँ अभी। तो इसमें क्या करते हैं, शुद्ध लंबा और बौने पौधे के मध्य संकरण कराया, तो ये जो सिंबल होता है जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये क्या होता है, नर का सिंबल होता है, नर जो नर जनक होता है उसका सिंबल होता है, और जो ये आपका रेड कलर में जो सिंबल दिख रहा है ये मादा का सिंबल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो शुद्ध लंबा और बौने पौधे के मध्य संकरण हो जाएगा, तो शुद्ध लंबा हमने यहाँ पे ले लिया, तो इसके युग्मक क्या बन गए, कैपिटल टी युग्मक बन गए, और जो बौने पौधे के जो युग्मक क्या बनेंगे, स्मॉल टी। ओके फ्रेंड्स, अब इनका जनन करा दीजिए, यानी स्मॉल टी को इससे जनन कराया यानी कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो गया। इस स्मॉल टी को इससे जनन कराया, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल टी हो जाएगा। अब दूसरा स्मॉल टी लेते हैं, इसको इस कैपिटल टी से जनन कराइए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। और इसको क्या हो जाएगा, इस स्मॉल टी को इस कैपिटल टी से जनन कराइए, तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1PD में क्या हो गया, सभी पौधे क्या, अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। ओके फ्रेंड्स, तो F1PD में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, तो यह तो आपको दिख रहे हैं। अब हम आते हैं अशुद्ध लंबे हुए, अशुद्ध लंबे यानी जो F1PD से पौधे प्राप्त हुए, अब उनके मध्य संकरण कराते हैं और द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करते हैं। तो इसमें इसके जो युग्मक क्या बनेंगे, कैपिटल डी स्मॉल टी, इधर हमने युग्मक लिख लेने। अब इस कैपिटल टी को हम इस कैपिटल डी से संलयन कराते हैं, तो संलयन कराते हैं या निषेचन कराते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल डी बन जाएगा। और इस कैपिटल डी को स्मॉल टी से जब निषेचन कराते हैं तो कैपिटल डी स्मॉल टी बन जाएगा। अब इस स्मॉल टी को हम इस कैपिटल टी से अगर निषेचन कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। और इस स्मॉल टी को जब इस स्मॉल टी से जब गुणा कराते हैं तो हमें स्मॉल टी प्राप्त हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमें बौना पौधा प्राप्त हो जाएगा। तो इसके क्या क्या सिंबल हो जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल डी कितने होंगे, शुद्ध लंबा एक हो जाएगा, अशुद्ध लंबे दो हो जाएंगे, और
और जो बोना है वो एक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम देखते हैं F2PD में क्या होता है, 75% जो पौधे होते हैं वो लंबे और 25% जो पौधे होते हैं वो बोने प्राप्त होते हैं। आपको दिख ही रहा है तीन पौधे लंबे हैं, अगर आप इनका जो परसेंट निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा। अब इसमें फिनोटाइप क्या हो जाएगा, लंबे और बोने अनुपात 3:1 हो जाएगा, जीनोटाइप क्या हो जाएगा, 1:2। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसकी थ्योरी देख लेते हैं। मेंडेलियन जब मटर के शुद्ध लंबे यानी कैपिटल टी कैपिटल टी जो इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल टी कैपिटल बस शुद्ध बोने पौधे यानी स्मॉल टी के पौधों के मध्य संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, और जब मेंडल ने प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्व परागण होने दिया तो प्राप्त द्वितीय पीढ़ी में 75% पौधे लंबे व 25% पौधे बोने प्राप्त हुए। इससे उसे पता चला कि लक्षण प्रभावी व अप्रभावी होते हैं, प्रभावी कारक टी अप्रभावी कारक स्मॉल टी को प्रकट नहीं होने देता। यदि जो कैपिटल टी जो होता है कारक यानी जीन होता है, अगर वो स्मॉल टी के साथ आ जाता है तो वो क्या होता है, जो स्मॉल टी का जो लक्षण होता है वो क्या होता है, बौनापन, तो उस बौनेपन को यह प्रकट नहीं होने देता। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपने हो गया एकल संक्रमण प्रयोग। ओके फ्रेंड्स, तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।